हेलो गुड इवनिंग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एक एकेडमी एक के चैनल में हमारी जो एग्रीकल्चर एम की सीरीज चल रही है आज हमारा सेशन है फोर्टी सिक्स नंबर का ठीक है इससे पहले हम फोर्टी फाइव लेक्चर पढ़ चुके हैं तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सारे फोर्टी फाइव एम वीडियो एक बार देख लें आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड इवनिंग ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं ना? चलिए स्टार्ट करें अगर आप जुड़ गए हैं जल्दी तो हम स्टार्ट करते हैं फिर एक बार आप जल्दी जुड़े राहुल पाटीदार आ रही एस का पेपर बिल्कुल करवा देंगे राहुल पाटीदार जी ठीक है बिल्कुल करवा देगा ना एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभ्यास एग्री एकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर अभी रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है सभी पर थर्टी परसेंट डिस्काउंट है आप किसी भी कोर्स पर थर्टी परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो आप थर्टी परसेंट डिस्काउंट पर उसको ले सकते हैं चाहे आईबीपीएस हो हरियाणा ए डी हो मध्य प्रदेश का हो छत्तीसगढ़ का हो कहीं का भी कोर्स हो आप बिल्कुल ले सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने चलिए बताइए हाँ ए एफ ओ के लिए बैच अवेलेबल है बिल्कुल है ना एफ का सोलह तारीख से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है ठीक है सोलह अगस्त से सोलह अगस्त से एफओ एफ ओ का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है ए जीन दैट हैज ए मास्किंग इफेक्ट ऑन द अदर जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेड इट इज कोल्ड क्या कहते हैं फटाफट बताइए ठीक है फटाफट आप बताइए ऐसी जीन जो क्या करती है ए जीन दैट हैज मास्किंग द इफेक्ट ऑफ मास्किंग द इफेक्ट ऑफ अदर जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इट इज कोल्ड एक ऐसी जीन जो किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को कंट्रोल करती है जो दोनों एक सेम कैरेक्टर समान कैरेक्टर को क्या करते हैं तो आंसर है कंट्रोल करते हो समझना क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी जीन जो किसी दूसरी जीन के इफेक्ट को, को, तो को क्या करती हो कंट्रोल करती हो जो दोनों सेम कैरेक्टर को कंट्रोलिंग करती है उस जीन को हम क्या कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सुल्ताना एपीस्टेटिक जीन राहुल पाटीदार सी आंसर बिल्कुल है ना इसको हम एपीस्टेटिक जीन कहते हैं एपीस्टेटिक जीन वो होती है जो किसी दूसरे जीन के फंक्शन को क्या कर लेती है टेक ओवर या उस जीन को कंट्रोल करती है ये दूसरे को क्या करती है उसके इफेक्ट को दबा देती है मास्किंग मतलब ऐसी जीन जो दूसरी जीन के इफेक्ट को दबा देती है सप्रेस कर देती है उसको हम एपी और जो जीन जिसका इफेक्ट सप्रेस होता है उसको हाइपोस्टेटिक कहते हैं ठीक है जिस जीन का इफेक्ट सप्रेस होता है उसको हम हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एपीस्टेटिक जीन इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आंसर एपिस्टेटिक जीन होगा क्लियर है चलिए एपिस्टेटिक जीन होगा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट रिलीज ओ टू प्लांट जो है ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं प्लांट ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं फटाफट बताइए प्लांट रिलीज ओ टू प्लांट ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं फटाफट बताएं आप प्लांट ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं गुड इवनिंग आप एक बार लिंक को शेयर कर दें प्लांट रिलीज ओ टू ड्यूरिंग प्लांट ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताएं कमेंट सेक्शन में कि प्लांट ऑक्सीजन कब गैस रिलीज करते हैं लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन में रेस्पिरेशन में या फिर बताइए आप ट्रांसपिरेशन में प्लांट जो है किस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं प्लांट रिलीज ओ टू ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन फटाफट बताएं ललित मालवीय ए आंसर संदीप कोशिक्स आंसर ठीक है सी फटाफट बताएं सभी लोग एक बार भाई लिंक को शेयर कर दो है ना ठीक है प्लांट जो है कब ऑक्सीजन छोड़ते हैं देखो प्लांट ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं लाइट रिएक्शन में है ना रेस्परेशन में नहीं छोड़ते ठीक है प्लांट हमेशा याद रखना जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती कि नहीं कौन सी लाइट रिएक्शन होती है क्या प्रकाशिक अभिक्रिया तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसी में क्या होता है प्लांट ऑटो छोड़ते हैं याद रखना प्लांट ऑटू कब छोड़ते हैं लाइट रिएक्शन में रेस्परेशन में नहीं छोड़ते रेस्परेशन तो है ना याद रखना रेस्परेशन में ऑटू अंदर जाती है ठीक है इन्वॉल्व होती है ऑटो जो है ना इन्वोल्व होती है और सी टू याद रखना रेस्परेशन में हमेशा सी टू रिलीज होती है चाहे वो प्लांट करे चाहे वो एनिमल करे दुनिया में रेस्परेशन कोई भी करे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी और सी टू रिलीज होगी ठीक है रेस्परेशन नहीं होगा अधिकतर हम क्या सोचते हैं कि प्लांट है भाई प्लांट तो ऑक्सीजन का छोड़ते हैं चाहे रेस्प नहीं प्लांट रेस्परेशन में सी टू छोड़ते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन में तो आंसर है लाइट रिएक्शन में तो आने वाली जो ऑक्सीजन तो अच्छा, वा 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 गैस होती है कि नहीं वो कहाँ से आती है तो वाटर से फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस ठीक है अच्छा टाइम पे नाइन पी उसको चेंज करवा देंगे है ना उसको चेंज करवा देंगे थमनेल को सेवन थर्टी करवा देंगे है ना याद रखना जो ऑटो है ना ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है कि नहीं ऑटो जो रिलीज होती है ऑटो जो रिलीज होती है ठीक है ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो कहां से आती है वाटर से और टू तो जो रिलीज होती है वो कहां से आती है भाई वाटर से आती है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर सी एम एस सिस्टम आपको बताना है ठीक है ना क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सी एम एस फोर सी एम एस सिस्टम ठीक है कि भाई मस्टर्ड का पहला हाइब्रिड कौन सा है आपको याद होगा भाई लास्ट क्लास के अंदर ये मैंने बताया था जब पूसा है ना जब मैंने आपको पूसा जय किसान बायो नो दोषो के बारे में बताया था तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था कि मस्टर्ड का फर्स्ट हाइब्रिड जो होता है कॉमर्शियल हाइब्रिड वो कौन सा होता है तो मस्टर्ड का कॉमर्शियल हाइब्रिड कौन सा है तो आंसर है मस्टर्ड का कॉमर्शियल हाइब्रिड एनआरसी एच यू पाँच सौ छ होता है हा आया ये ठीक है किसके द्वारा डायरेक्टर ऑफ मस्टर्ड रेपसीडेंट मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान के द्वारा इसको रिलीज किया गया है तो मस्टर्ड का पहला हाइब्रिड जो है वो कौन सा NRC, 500 question, question है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना तीसरा चौथा क्वेश्चन सीड अवेबिलिटी ऑफ ग्राउंड नट सीड अवेबिलिटी सॉरी सीड सीड सॉरीबिलिटी ऑफ ग्राउंड बी इम्प्रूव बाई आपको बताना है कि मूंगफली में बीज की जीवन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ठीक है मूंगफली के अंदर बीज की जीवन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ठीक है ठीके? तो आपके सामने ऑप्शन है कि सन ड्राइंग ऑफ पोर्ट्स आफ्टर हार्वेस्टिंग कि सन ड्राइंग करके या सेट ड्राइंग मतलब छांव में सुखा कर ठीक है धूप में सुखा कर या छाव में सुखा कर सेट ड्राइंग ऑफ द पोट आफ्टर हार्वेस्टिंग या फिर ओवन ड्राइंग ऑफ पोर्ट्स आफ्टर ठीक है गर्म करके या फिर ड्राइंग ऑफ पोर्ट्स इन द प्लांट इट्स सेल्फ बिफोर हार्वेस्टिंग तो बताइए क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा कि मूंगफली के अंदर ठीक है मूंगफली के अंदर याद रखना आप हम सीड वायबिलिटी बीज की जीवन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो कब बढ़ा सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है उसको छाये में सुखाने पर है ना सेड में अगर हम हार्वेस्टिंग वाले उसको छाओ में सुखाते हैं तो उसकी जीवन क्षमता बढ़ती है ठीक है सेट ड्राइंग ऑफ पोर्ट्स आफ्टर हार्वेस्टिंग तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा ठीक है मूंगफली के बीजों की जीवन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है अगर उसको हम छाए के अंदर या फिर सेट ड्राइंग करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग पोर्ट्स को तो बढ़ा सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यहां तक क्लियर है सभी को बताइए यहां तक क्लियर है चलिए गुड इवनिंग एक बार लिंक को शेयर कर दो यार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट छुट्टी मना रहे हैं लग रहा है अभी यार रक्षाबंधन की चलिए राइस हैज गोट राइस राइस के पास कितने स्टेम राइस इन फ्लोरोसेंस गोट कितने स्टेमेंस होते हैं फाइव स्टेमन सिक्स स्टेमन फोर थ्री ये तो सिंपल क्वेश्चन है राइस इन फ्लोरोसेंस के अंदर राइस फ्लोवर के अंदर कितने स्टेम प्रेजेंट होते हैं तो यहां पर सभी का आंसर बिल्कुल सिक्स स्टेमेंस आएगा राइस के अंदर कितने स्टेमेंस होते हैं छह स्टेमेंस होते हैं राइस के अंदर कितने छह स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं चलिए क्लियर है राइस के अंदर कितने स्टेमेंस? सिक्स स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं अगला बकवीट बिलोंग्स टू द फैमिली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बकवीट आप जानते होंगे बकवीट तो बकवीट की फैमिली कौन सी है फटाफट बताइए हाँ इसकी पीडीएफ मैंने पिछली दो जो क्लास की पीडीएफ भी सेंड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ठीक है अभ्यास एग्री अकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है जो टेलीग्राम चैनल है वो पिछली क्लास की सेंड कर दिया था मैं आपको फोर्टी फोर फोर्टी फाइव मिल जाएगी अभ्यास एग्री एकेडमी का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी तो अभ्यास एग्री एकेडमी का जो चैनल है आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं इसकी है ना पिछली दो क्लासेस की सेंड कर दी आप बिल्कुल ले सकते हैं इसका आंसर बताइए कि बकवीड जो होता है एक स्यूडो सीरियल होता है ना बकवीड एक सीरियल नहीं है एक स्यूडो सीरियल होता है स्यूडो सीरियल है ना आवासी ठीक है स्यूडो सीरियल होता है फेगोपायरोन एस्कुलेंटम है ना फेगोपायरोन आपने सुना होगा फेगोपायरोन एस्कुलेंटम टैको फेगोपायरम एस्कुलेंटम होता है एस्कुलेंटम फेगोपायरम एस्कुलेंटम ठीक है 2n बराबर 16 इसकी जो फैमिली होती है, होती है कौन सी? या आप कह सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो को। जिस क्वेश्चन में रिलेटेड है वो तो मैं बताई देता हूँ यार राहुल पाटीदार जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट के है ना जहाँ एक्स्ट्रा आता है तो मैं बताई देता हूँ तो बगवीट जो होता है सीरियल होता है है ना एस्कुलेंटम और पोलिजी की फैमिली होती है इसकी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी होती है टोक्यो एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसकी याद रखना टोक्यो नाम की एक वैरायटी होती है और इसका टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है टाइप ऑफ फ्रूट इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है एकने ठीक है टाइप ऑफ फ्रूट इसका क्या होता है एकने होता है ठीक है ये एक आवासीय है ना आवासी फसल सीडियो सीरियल होती है मतलब सीरियल नहीं होती सीरियल की तरह दिखती है ठीक है फिटनेस ये सीरियल की तरह दिखती है सीरियल होती नहीं है एक्चुअली है ना गेहूँ है नहीं गेहूँ की तरह दिखता है तो इसको हम सीडो सीरियल कहते हैं इसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी याद रखना टोक्यो और टाइप ऑफ फ्रूट याद रखना है एक ही क्लियर है यहाँ तक चलिए हाँ वकवीट सही है बिल्कुल है ना एक सीडो सीरियल क्रॉप होती है आप पहली बार सुन रहे हैं क्या दोनों अधिकतर तो लोग शायद पढ़ एक एक दो बातों तो, तो आज पढ़ ही लेते हैं आपको बताने सेडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड सेडिंग है ना अचीव डे जैसे हम पढ़ते हैं ना आर्टिफिशियल क्लाउड सेडिंग आर्टिफिशियल क्लाउड सेडिंग हम जब करते हैं ठीक है कृत्रिम रूप से बारिश जब करते हैं तो वहाँ पर एक होता है जब है ना बादलों का टेम्परेचर कम होता है कोल्ड क्लाउड सेडिंग एक होता है वार्म क्लाउड सेडिंग तो कोल्ड क्लाउड सेडिंग जो है जनरली किसके द्वारा की जाती है ठीक है क्रॉस कैसे भाई इसमें कोई क्रॉस नहीं है ना ये कोई क्रॉस वाली नहीं है नेचुरल क्रॉप है डिप्लोइड फटाफट बताइए कोल्ड क्लाउड सेटिंग जनरली हम किससे करते हैं ना कोल्ड क्लाउड सेटिंग जनरली हम किसके द्वारा की जाती है तो सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल है ना किसके द्वारा सिल्वर आयोडाइड ठीक है सिल्वर ए सिल्वर आयोडाइड के द्वारा हम करते हैं कोल्ड या फिर ड्राई सी आपने सुना होगा ड्राई सी करते हैं कि नहीं किसके द्वारा ड्राई सी के द्वारा कोल्ड क्लाउड सेटिंग है ना सिल्वर आयोडाइडेड के द्वारा बिल्कुल करते हैं हम ठीक है और वार्म क्लाउड सेटिंग आपने एन एस एन एल वगैरह पढ़ा होगा कि नहीं वो उसके द्वारा करते हैं चलिए ब्रेसिका जुनसिया क्या है फटाफट बताइए ब्रेसिका जुनसिया क्या है चलिए एक बार लिंक को शेयर कर दें भाई जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं फटाफट का यूज ना बार के लिए चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रस्सी का जूनसिया क्या है येलो सरसों या इंडियन मस्टर्ड या करन राई या गोभी सरसों क्या है इंडियन मस्टर्ड यस ब्रस्सी का जुनसिया जीता इंडियन मस्टर्ड है ना ब्रस्सी का जुनसिया क्या है तो आंसर है इंडियन मस्टर्ड होती है ना ब्रसी का जुनसिया क्या होती है एक इंडियन मस्टर्ड होती है ना ब्रस्सी का जुनसिया जिसका टू एन वन कितना होता है थर्टी सिक्स याद रखना टू एन बराबर जो कि का नाइग्रा है ना का नाइग्रा इन टू का कैम्पेस्टिस ठीक है का कैम्पेस्ट्रेस इन दोनों का क्रॉस होता है कि नहीं का जुन्सिया इन दोनों का क्रॉस होता है याद रखना इसके पेरेंट टू एन बराबर थर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते इसके पेरेंट्स आप याद रखना क्योंकि ये लोड है तो ब्रेसिका नाइक्रो ब्रेसिका कैंपेस्टिस का, का क्रॉस करके बनता है ब्रेसिका जूनसिया टू एन बराबर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए बार्ले प्लांट ए बार्ले प्लांट इन वीट क्रॉप ठीक है हमारा गेहूं का खेत है अगर उसमें बार्ले के प्लांट आपको मिलते हैं तो वो किस प्रकार का वीड है बताइए अगर हमारा फील्ड क्या है गेहूं का खेत है अगर हमारा फी फील्ड किसका है ठीक है गेहूं का खेत है इसमें आपको अगर बारले के प्लांट बीच बीच में कहीं दिखते हैं अगर आपको बारले के प्लांट बीच बीच में कहीं दिख रहे हैं तो क्या है बताइए किस प्रकार का वीड कहलाएगा ये ये एनुअल वीड कहलाएगा रोगी वीड कहलाएगा रिलेटिव वीड कहलाएगा या एब्सोल्यूट वीट कहलाएगा फटाफट बताइए क्या कहलाएगा फटाफट बताइए क्या क्या लाएगा बिल्कुल सभी का आंसर सी आ रहा है यहाँ पर है ना सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल है ना रिलेटिव बीड बहुत सही है ना ठीक है सापेक्षित खरपतवार जिसको हम कहते हैं ना ठीक है सापेक्षित खरपतवार जिसको हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है तो रिलेटिव बीड होता है कि सेम देखो हमने वीट फील्ड है जो अदर क्रॉप अगर कोई भी है मैन फील्ड के अंदर कोई भी अदर क्रॉप जो होती है उसको हम रिलेटिव बीड कहते हैं हमारी मुख्य फसल के अंदर अगर कोई दूसरी फसल के प्लांट हमको मिलते हैं मैन क्रॉप के अंदर जब कोई अदर क्रॉप के प्लांट हमको देखने को मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं रिलेटिव क्या सर इसको हम रोगी वीट नहीं कह सकते क्या नहीं रोगियों में कैसा होगा कि ऐसे वीट जो है ना गेहूँ गेहूँ की अगर हमने कौन सी एच आई हाँ पंद्रह चवालीस नाम की कोई वेरायटी लिया है, है ना पूर्ण जिसको हम कहते हैं एच आई हाँ पंद्रह चवालीस वेरायटी हमने पहले से ग्रो कर रखी है अगर इस वैराइटी के बीच में ठीक है अगर हमको व्हीट के ही दूसरी वैरायटी मिल जाती है है ना गेहूं के ही अगर हमको ऐसे सी ओ सी तीन सौ है ना छोकवन अगर पंद्रह चवालीस के फील्ड में अगर लोकवन के प्लांट आपको देखने को मिल जाए ठीक है अदर वैरायटी ऑफ द सेम क्रॉप तो उसको क्या बोलते हैं ठीक है अदर वैरायटी ऑफ द सेम क्रॉप सेम क्रॉप है गेहूँ है गेहूं के अंदर हमने वेराइटी लगाई थी एच आई पंद्रह चवालीस लेकिन उसी फील्ड के अंदर हमको लोकवन के प्लांट भी देख रहे हैं तो अदर वेरायटी ऑफ सेम क्रॉप तो वो रोग्यू बीड्स में आता है, है ना किस में आएगा रोग्यू में ठीक है बात समझ में आ रही है किस में आएगा रोग्यू के अंदर आएगा ना अलग अलग किस्म बिल्कुल है ना अदर वेरायटी ऑफ द सेम क्रॉप सेम क्रॉप की क्या अगर कोई दूसरी किस्म हमको देखने को मिलती है वो रोग्यू के अंदर आता है इंपॉर्टेंट है ये ठीक है और एब्सोल्यूट मतलब होता है एब्सोल्यूट वीड का मतलब जो कल्टीवेटेड फील्ड के अंदर जो एक्चुअली वीड होते हैं ठीक है दे आर द एक्चुअल वीड जो जो कल्टीवेटेड फील्ड के अंदर है जो है है जैसे ना जनरली कल्टीवेटेड फील्ड में क्रॉप के साथ जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वीड कहते हैं ठीक है जो वाइल्ड फॉर्म में नहीं मिलते और एनुअल वीड वो होते हैं भाई जिनकी लाइफ साइकिल एक वन ईयर के विदिन वन ईयर कंप्लीट हो जाती है उन्हें हम कहते हैं चलिए तो सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बताएं आप अगला क्वेश्चन क्या है मोस्टर डेफिसिट इंडेक्स एमडीआई इन सेमी एरिड क्लाइमेट ठीक है एमडीआई जो होता है सेमी एरिड क्लाइमेट के लिए कितना होता है एमडीआई वैल्यू फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स फटाफट बताइए एमडीआई वैल्यू फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स मोस्टर डेफिसिट इंडेक्स एमडीआई इन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स क्लाइमेट के लिए कितना होता है एमडीआई वैल्यू फटाफट बताएं कमेंट सेक्शन में सेमी एरेड ट्रॉपिक्स के लिए है ना सेमी एरिड जो होता है क्लाइमेट के लिए आपको बताना है एमडीआई वैल्यू कितनी होती है मोस्टर डेफिसिट इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है बिल्कुल है ना माइनस थर्टी थर्टी पॉइंट थ्री से लेकर माइनस सिक्सटी बिल्कुल है ना एक होता है सब ह्यूमिड सेमी ह्यूमिड आप कह सकते हैं तो इसमें तो होता है भाई जीरो से लेकर कितना होता है जीरो से लेकर माइनस दशमलव तैतीस ये और इसके बाद सेमी एर में सेमी एर के अंदर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री से ठीक है ये यह यहाँ से माइनस सिक्सटी सिक्स 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 पॉइंट ठीक है और एरेड के लिए ग्रेटर देन माइनस सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है तो ये तीनों आपको याद रखना व्हीट फील्ड के ग्राम को क्या कहेंगे ठीक है रिलेटिव भी बोला जाएगा ना अदर कोई भी आपको क्रॉप मिल जाएगी जनरली क्या बोलेंगे उसको रिलेटिव भी बोलेंगे जैसे बारले मिल गया कोई ग्राम मिल जाए रिलेटिव भी कहलाएगा चलिए यहां तक क्लियर है क्या सभी को बताइए एक बार यहां तक क्लियर है आपको क्या क्लियर है सभी को एक बार आप लिंक को शेयर कर दो ब्राउन मैनुअरिंग इज यूज्ड इन अगला क्वेश्चन है आपके सामने भूरी खाद किस में यूज करते हैं राइस व्हीट मेज या ज्वार ब्राउन किस में यूज करते हैं ब्राउन मेनअरिंग किसके अंदर यूज किया जाता है फटाफट बताएं ब्राउन मेनोअरिंग किसके अंदर यूज करते हैं तो ब्राउन मेनोरिंग सभी का आंसर बिल्कुल ए आ रहा है राइस ब्राउन किस में यूज करते हैं तो ब्राउन मेनिंग यूज इन राइस ठीक है किसके अंदर राइस तो क्या होता है ब्राउन मेनोरिंग होता क्या है ब्राउन मेनोरिंग भूरी खाद क्या होती है कि राइस फील्ड के अंदर हम ट्रांसप्लांट की बात क्या कर देता है जो ढेंचा होता है कि नहीं ढैचा ठीक है शेजवानिया इसके सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ना सीड को ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो फील्ड के अंदर ये ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो राइस फील्ड के अंदर हमको ढेंचा के प्लांट मिलते हैं तो लगभग पैंतीस दिन बाद कितने लगभग पैंतीस दिन बाद क्या करते हैं हम टू फोर डी का यूज करते हैं पैंतीस दिन बाद जब ढांचा बड़ा हो जाता है कि नहीं तो हम राइस फील्ड के अंदर टू फोर डी का स्प्रे करते हैं तो टू फोर डी के स्प्रे से नॉकडाउन इफेक्ट होता है ठीक है तो टू फोर डी स्प्रे करते हैं ये डाइकोट होता है ठीक है ये क्या है डाइकोट है तो डाइकोट होने से टू फोर्डी के कारण इसकी डेथ हो जाती है ये टूट कर फील्ड के अंदर ही गिर जाता है अब इसने किया नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इसके शरीर के अंदर भी नाइट्रोजन है तो इससे क्या होगा इसका डिकम्पोजिशन होगा और सोइल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज होगी सोइल के अंदर क्या होगा नाइट्रोजन इंक्रीज होगी और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट काम ये भी हो जाता है कि जितनी भी ब्रॉड लिव्ड वीड्स होते हैं राइस फील्ड के अंदर जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे ब्रॉड लिव वीड्स जो होते हैं टू फोर्डी के स्प्रे करने से वो भी क्या हो जाएंगे कंट्रोल हो जाएंगे ठीक है धान में ढांचा बिल्कुल है ना टू डी के द्वारा तो आपको शायद समझ आ गया होगा क्या होता है कि ढांचा हम टू फोर्टी के स्प्रे के द्वारा उसको किल करते हैं उसके वो आपको पता है हरी खाद होती है ग्रीन मेन्य है तो नाइट्रोजन उसके डिकम्पोजिशन से क्या होगा नाइट्रोजन फील्ड के अंदर होगी साथ साथ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो ब्रोड लीव होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं मर जाते हैं ठीक है चलिए अगला आपको बताना है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन ऑफ वीट इन इंडिया ये थोड़ा आपके लिए नया क्वेश्चन है है ना कि भारत के अंदर कितने गेहूं के क्षेत्र होते हैं गेहूं उत्पादन के कितने क्षेत्र हैं द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन्स ऑफ बीट इन इंडिया भारत के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं ठीक है आपके लिए नया क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन ऑफ बीट इन इंडिया भारत के अंदर कितने क्षेत्र हैं ठीक है तो टोटल याद रखना इंडिया के अंदर कितने हैं पांच कोई दे रहा है सात कोई दे रहा है छ इंडिया के अंदर टोटल कितने हैं तो आंसर है याद रखना इंडिया के अंदर टोटल होते हैं ठीक है ना ठीक है इंडिया के अंदर टोटल कितने होते हैं आंसर आएगा ना ठीक है इंडिया के अंदर टोटल कितने होते हैं एक होता है हमारा देखो एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न एक नॉर्थ वेस्टर्न एक नॉर्थ हिल रीजन ठीक है कि नहीं ये होता है नॉर्थ वेस्टर्न ठीक है एक हो गया सॉरी क्या बोलते हैं अपना ये नॉर्थ ये नॉर्थ ईस्टर्न हो गया ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया नॉर्थ हिली हो गया तो नॉर्थ के तीन होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ हिली रीजन तीन हो गए एक होता है सेंट्रल इंडिया एक होता है सेंट्रल ठीक है ये सेंट्रल हो गया एक होता है पैनिसर रीजन और एक होता है साउथ तो टोटल छः रीजन होते हैं टोटल कितने होते हैं छः नॉर्थ के होते हैं तीन नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ठीक है अपना हिली रीजन इसके बाद एक और होता है साउथ हिल रीजन और एक होता है अपना सेंट्रल एक होता है पेनिशुल रीजन टोटल छ रीजन होते हैं गेहूँ के है ना चलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बताइए नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है फटाफट पट बताइए नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन ठीक है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन 25 से लेकर 35 डिग्री बिल्कुल पैंतीस से 40 नहीं होगा ना 35 तक आप 30 से लेकर 35 पढ़ते होंगे कहीं कहीं तो आंसर सी आएगा ठीक है ना सी आंसर आएगा पच्चीस से लेकर पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रिफिकेशन जो होता है कि नहीं अमोनिया एनओ टू माइनस और एनओ टू माइनस एनओ थ्री माइनस है ना नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रो बैक्टर जो होते हैं बैक्टीरिया वर्क करते हैं नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के अंदर तीस से पैंतीस तो भाई पच्चीस से पैंतीस आंसर चला जाएगा ना आप बॉक्स वगैरह में तीस से पैंतीस पढ़ते होंगे तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है पच्चीस से लेकर पैंतीस तो बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशो। आई डब्ल्यू अपॉन सी पी ई है ना रेशो जो है रेट एट पॉइंट सिक्स कॉन्स्टेंट एंड सिक्स सेंटीमीटर इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर वीट इरीगेशन टू बी गिविन वेन इवेपोरेशन रीडिंग इज तो कितना इरीगेशन देना चाहिए अब ये पूछ रहा है इरीगेशन इज गिवन। आपको कितना इरीगेशन देना है एक्चुअली आपको कितना इरीगेशन देना है बताइए कैसे निकाल देखो आईडब्ल्यू अपन सीयूपी रेसो दिया है पॉइंट सिक्स ठीक है ना और इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट दिए सिक्स सेंटीमीटर ये कौन मिला के क्या पूछ रहा है सीपीयू रेसो एक्चुअली सीपीयू रेसो पूछा जा रहा है ठीक है ये क्वेश्चन के अंदर आई डब्ल्यू अपॉन सी पी ई रेशो जो है वो दिया है कितना पॉइंट सिक्स ठीक है ये पॉइंट सिक्स आपको तो पहले ध्यान से सुनना है ना ये पॉइंट सिक्स दिया है ये इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट भी दिया है सिक्स सेंटीमीटर दिया कि नहीं ये देखो यहाँ पर सिक्स और नीचे सी पी ई आपसे पूछा एक्चुअली सी पी ई पूछा जा रहा है क्यूमुलेटिव पेन ई वेपोरेटिंग जो रीडिंग है ये आपसे पूछी जा रही है ना ई वैपोरेशन रीडिंग कितनी होगी क्यूमुलेटिव पेन ई वैपोरेशन रीडिंग कितनी है ध्यान से सुनना फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है आई डब्लू अपॉन सी पी है ना ये बराबर तो ये कितना दिया है है ना इसके बाद आई डब्ल्यू की वैल्यू दी है, है आपको सी पी निकालना है सेंटीमीटर के अंदर है, है ना ये सब सेंटीमीटर में होता है बराबर पॉइंट सिक्स तो ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा देखो सिक्स अपॉन पॉइंट सिक्स बराबर सी पी ई अब यहाँ से पॉइंट को हटाओगे ऊपर जीरो आएगा दस कितना हो गया दस अब ये दस सी पी आया है सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर में अगर इसको एम एम बनाना है तो एम एम हो जाएगा हंड्रेड तो आंसर कितना आएगा हंड्रेड एम एम क्या आपको समझ में आ गया आंसर कितना है आंसर आ गया हंड्रेड एम एम बिल्कुल है ना ठीक है आंसर कितना ये सेंटीमीटर में टेन एम एम में हंड्रेड ठीक है तो है ना आपस से पूछा जा रहा था क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन रीडिंग कितनी होती है चलिए समझ आ गया सबको नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन विच इज आल्सो टर्म इज द स्ट्रेस हार्मोन किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं किस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है फटाफट बताइए किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं फटाफट बताएं किस हार्मोन को हम स्ट्रेस कहते हैं फटाफट बताइए किस हार्मोन को हम स्ट्रेस कहते हैं हार्मोन आल्सो विच इज्सो स्ट्रेस हार्मोन बताइए किस हार्मोन को हम स्ट्रेस कहते हैं तो यहां पर आंसर आ रहा है डी इथाइलिन ऑक्सीजन जेबरेली ए बी बिल्कुल है ना ए बी हार्मोन को क्या बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं ना स्ट्रेस के समय क्या करता है स्टोमेटा को क्लोज करता है एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है स्टोमेटा क्लोजिंग होता है कि नहीं स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट होता है स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट होता है तो एडवर्स कंडीशन में वाटर के लॉस को रोक लेता है ठीक है स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट होता है ए बी ए क्लियर है इसलिए क्या होता है उसको स्ट्रेस तो प्लांट को मरने से बचा लेता है क्या आएंगे नहीं क्या एग्जाम में भाई ये वाले क्वेश्चन अरे डेली तो क्वेश्चन कराते हैं तो कभी एग्रोनॉमी कभी सोइल साइंस पुतिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना किसी दिन आपको किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा मिल जाते हैं चलिए प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द हाई साल्ट कंसेंट्रेशन इज कोल्ड अगला क्वेश्चन बताएं अगला क्वेश्चन ये बताना आपको ऐसे प्लांट्स ग्रोइंग अंडर हाई साल्ट कंसेंट्रेशन ऐसे पौधे जो उच्च लवड़ी वाले कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं ना उच्च लवड़ी कंडीशन हिंदी में कहते हैं उच्च लवड़ता वाले कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं ठीक है ऐसे प्लांट जो हाई सेलाइन कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बिल्कुल सभी का आंसर भी आए हेलो फाइट्स कहते हैं क्या कहते हैं है ना क्या कहते हैं कहते हैं ना तो हमारे आस पीस जो प्लांट होते हैं ना हमारे आस पीस जो, जो प्लांट ग्रो करते हैं ठीक है हमारे आस पीस जो प्लांट ग्रो करते हैं ना उन्हें हम मिजो कहते हैं याद रखना हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं प्लांट्स आर ग्रो अराउंड अस हमारे चारों ओर जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें मीजो कहते हैं समोदिद हिंदी में कहते हैं समोद आप अपने चारों ओर आप बाहर निकलोगे रूम से जो भी आपको प्लांट मिलेंगे ना नॉर्मल वो सब म्यूजोफाइट्स होते हैं ठीक है उन्हें हम म्यूजोफाइट्स कहते हैं जो अपने चारों तरफ ठीक है बिल्कुल और ये हेलाइन जो अपना सेलाइन कंडीशन के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है हेलोफाइट्स प्लांट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट का सबसे ज़्यादा होता है ना और ग्लाइफोसेट ये तो अलग टर्म है इससे कोई संबंध नहीं ना ऐसा कोई प्लांट नहीं होता ये ऐसा कोई प्लांट ही नहीं होता है ना चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेफिनेशन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कई एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ठीक है द ईयरली सिक्वेंस याद रखना द ईयरली सिक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप एंड फेलो इज नोन एज क्या कहते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर जो प्रत्येक वर्ष एक क्रॉप का है ना कौन सी क्रॉप लगाई जाती है ईयरली सिक्वेंस क्या है किसी क्षेत्र के अंदर कौन सी क्रॉप रोटेशन यूज किया जाता है या जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं स्पेशल जो अरेंजमेंट होता है किसी रीजन के अंदर ईयरली सिक्वेंस या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप्स एंड इज नोन एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल ठीक है तो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम ठीक है क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि, कि किसी रीजन के अंदर फार्मर जो है एक ईयर के अंदर किस प्रकार की क्रॉप्स लगाते हैं या क्रॉप को खाली भी छोड़ते हैं है ना कि फैलो छोड़ते हैं बन जो परती जिसको हम कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न अगर पैटर्न के साथ साथ मैनेजमेंट और जुड़ जाता है अगर क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट तो उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं फिर क्रॉपिंग पैटर्न प्लस जो अगर जुड़ जाए क्रॉपिंग पैटर्न जो है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट ठीक है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट तो इसे क्या बोलेंगे क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे भाई क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं जिसको अब फार्मिंग सिस्टम एक अलग चीज़ होता है कि नहीं फार्मिंग सिस्टम फार्मिंग सिस्टम के अंदर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के दूसरे अलाइड सेक्टर्स होते हैं उनको भी कंपोनेंट होता है उनको सब साथ में एंटरप्राइज एग्रीकल्चर पोल्ट्री फिशरीज है वो फार्मिंग सिस्टम ठीक है कि नहीं चलिए इसके बाद इंटेंसिव क्रॉपिंग देखो क्या होता है इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब होता है पर यूनिट एरिया के अंदर आपको हायर प्रोडक्शन निकालना ठीक है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया के अंदर आप रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं उसे हम कहते हैं मतलब आप बहुत ज़्यादा कमाई करना चाहते हो सीधी सीधी बात है उसे हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर है ना इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मल्टीजर्म सीड इज फाउंड इन क्रॉप फटाफट बताएं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अठारह मल्टीजर्म ठीक है हाँ बिल्कुल सघन खेती कहते हैं मल्टीजर्म सीड इज फाउंड इन विचक्रोव मल्टीजर्म सीड इज फाउंड इन क्रॉप मल्टीजर्म सीड इज फाउंड किस क्रॉप के अंदर मल्टीजर्म मिलता है ठीक है मल्टीजर्म का होता है एक से ज्यादा सीडलिंग है ना जब जब हम एक एक सीड लगाते हैं जो एक से ज्यादा सीडलिंग हमको देखने को मिलती है ना एक से ज्यादा सीडलिंग आपको देखने को मिलेंगी तो इसे क्या बोलेंगे मल्टीजर्म तो मल्टीजर्म जनरली आपको बीट में देखने को मिलती है किस में बीट में सुगरबीट में क्या होता है एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एमरो होता है तो बहुत सारी सीडलिंग हमको देखने को वहां पर मिलती है तो बीट के अंदर याद रखना मल्टीजर्म होता है जिसको हमको बाद में चल के क्या करना पड़ती है फिर थिनिंग ऑपरेशन है ना क्या करना पड़ती है प्लांट पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगी थिनिंग ऑपरेशन मतलब जो एक्स्ट्रा सीडलिंग आ गए जरूरत से ज्यादा सीडलिंग आ जाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा सीडलिंग को जो है हटाना पड़ेगी या सुनना एक्स्ट्रा सीडलिंग को क्या हुई हटाना पड़ेगी जिससे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके जितनी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं एक्स्ट्रा सीडलिंग्स होती है उनको रिमूव कर देते हैं उसको हम थिनिंग ऑपरेशन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं थिनिंग ऑपरेशन कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने फटाफट बताएं द रेस ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया इज नॉन एज द रेसो ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया इज नॉन एज विजेंद्र सिंह प्रदीप साहू सतेंद्र शर्मा चंद्रकांत तिवारी प्रकाश ललित सभी का आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं आप द रेस ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया क्या कहते हैं बिल्कुल लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं क्या कहते हैं एल लीफ एरिया और ग्राउंड एरिया ये बार बार एग्जाम में आता है सीधा सीधा ठीक है लीफ एरिया इंडेक्स लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया ऐसे क्या कहते हैं तो लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं। चलिए अगला बताना वन हेक्टेयर सेंटीमीटर वन हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इक्वल टू कितने के बराबर होता है हां वाटसन नाइनटीन फिफ्टी टू बिल्कुल सही है ना वन हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इक्वल्स टू वन हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर जो होता है किसके बराबर होता है क्या आंसर आएगा मंजू गुड इवनिंग वन एक्टर सेंटीमीटर एक लाख ये एक लाख इकाई ढाई सैकला हजार दस लाख एक लाख है ना तो वन हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर है ना एक हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर टेन टू पावर फाइव ठीक है या लिख सकते हैं अपन एक लाख लीटर ठीक है ऐसे लिख सकते हैं ना और वन हेक्टेयर मीटर बराबर वन हेक्टेयर मीटर बराबर तो टेन टू पावर सेवन लीटर ठीक है और वन हेक्टेयर एम एम मिलीमीटर बराबर होता है दस हज़ार कितना दस हज़ार लीटर ठीक है एक हेक्टर एम एम बराबर दस हज़ार होता है सेंटीमीटर टेन टू पावर फाइव मीटर टेन टू पावर सेवन होता है और एक मीटर बराबर एक हज़ार लीटर होता है है ना एक मीटर क्यूब बराबर कितना होता है एक हज़ार लीटर ठीक है ये या आपको याद रखना है ये एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल अगला डार्सिलो लो गवर्नस डारसिलो जो होता है फील्ड के अंदर कब लागू होता है अगला क्वेश्चन बताना है डार्सिलो कब लागू होता है डार्सिलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डार्सिलो होता है सोयल के अंदर है ना सोइल के अंदर वाटर मूवमेंट को है ना पता करने के लिए कि सोइल के अंदर जो है कितना वाटर मूवमेंट होता है उसको पता करने के लिए डारसिलो होता है कि नहीं सोयल मूवमेंट को या वाटर मूवमेंट को पता करने के लिए तो डारसिलो जो होता है ठीक है डारसी लो क्या होता है जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिससे होकर पानी निकलता है उसका जो ग्रेडियंट हेड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है तो इसका आंसर याद रखना डारसी लो जो होता है सोयल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के सीधे सीधे समानुपाती होता है ठीक है हाँ टाइम चेंज कर दिया सावन है ना साढ़े सात हो गया टाइम जो है सेवन थर्टी हो गया है तो डार्सी लो याद रखना डार्सी लो सोइल के अंदर सोइल मूवमेंट वाटर को पता करने के लिए करते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शन का जो हाइड्रोलिक हेड होता है उसकी जो उसके सीधे सीधे समानुपात होता है तो उसका आंसर याद रखने के लिए सोइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से संबंधित होता है चलिए अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाँ टाइम चेंज कर दिया साढ़े सात हो गया अभी टाइम डेली साढ़े सात पे ही रहेगा आप ठीक है टाइम जो रहेगा आप डेली सेवन थर्टी रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा समय है अच्छे से पढ़ाई करें आप और सफलता प्राप्त करें इंटरवेनल क्लोरोसिस एंड वाइटनिंग ऑफ लीव्स आर द कैरेस्टेटिक फीचर्स ऑफ हाँ सेवन थर्टी फिक्स टाइम है है ना अब चेंज नहीं होगा सेवन थर्टी फिक्स टाइम है लाइव का इंटरवेनल क्लोरोसिस और वाइटनिंग ऑफ लीव्स आर द कैरेस्टेटिक फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी है ना तो आंसर आयरन डिफिशियंसी के कैरेक्टर होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस और वाइटनिंग ऑफ लीव किसके कारण आयरन की कमी के कारण होगा बिल्कुल किसकी कमी कारण आयरन की कमी के कारण व्हीट क्रॉप्स है हाउ मैनी स्पीसी आप राइस क्रॉप की तो आपके मालूम है कि राइस की ट्वेंटी फोर स्पीसीज होती हैं ये आप सभी ने रटा हुआ है पढ़ा हुआ है गेहूं की कितनी स्पीसीज होती है ठीक है गेहूं की कितनी स्पीसीज होती है अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि गेहूं की कितनी स्पीसीज है ठीक है गेहूं की कितनी प्रजातियां राइस की तो आपको पता है ट्वेंटी फोर है जिसमें से आप पढ़ते होंगे कि दो कल्टीवेटेड है लेकिन गेहूं की कितनी स्पीसीज है ये पहला क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन पहली बार आपको राइस कमा लूँगा ठीक है तुक्के लगाओ है ना तो तुक्का आंसर याद रखना अठारह ठीक है अठारह स्पीसीज है गेहूँ की ठीक है कि नहीं बहुत सारी स्पीसी है इसमें टोटल आपको याद रखना अठारह स्पीसीज होती है गेहूँ की दस बारह पंद्रह नहीं अठारह ठीक है कितना आंसर आएगा अठारह तुक्के मत लगाओ ठीक है ना बारह जो है तुक्के लगा रहे हैं अठारह सही आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है द एंजाइम सीक्रेटेड बाय एमरो ऑफ सीड विच इंड्यूज द जर्मिनेशन प्रोसेस ठीक है कि कौन सा हार्मोन जो होता है कि जो एंजाइम सीक्रेशन करने में हेल्प करता है जो कि सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है एंजाइम सीक्रेटेड बाई ऑफ सीड्स विच इंडियूस द जर्मिनेशन प्रोसेस इनमें से कौन सा जर्मिनेशन जो प्रोसेस है ठीक है इनमें से कौन सा जर्मिनेशन प्रोसेस को बढ़ाता है ठीक है आपको बताना है इनमें से कौन सा जर्मिनेशन प्रोसेस को बढ़ाता है तो ये तो बिल्कुल आप सभी आंसर बता सकते हैं कि भाई सी डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन पूछा जा रहा है कि जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है तो क्या कर रहा है ठीक है जर्मिनेशन को मतलब डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन तो कौन सा हार्मोन है जेब्रेलिन बिल्कुल है ना जेब्रेलिन है सही आंसर है ना जेब्रेलिन हार्मोन क्या करता है सीड को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन के लिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको सीग्रेशन में हेल्प करता है जिससे सीड जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जर्मिनेशन है ना जेबरेलिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेटिव होस्ट बीड फॉर ग्राम कैटरपिलर रेड ग्राम अरहर जो होती है ना अरहर में हेलीकॉप्टर आर्मी जरा जो लगता है उसके लिए अल्टरनेटिव होस्ट कौन काम करता है ये क्वेश्चन है अल्टरनेटिव होस्ट वीड फॉर ग्राम कैटर इन रेड ग्राम बताइए अल्टरनेटिव होस्ट वीड फॉर ग्राम कैटर इन रेड ग्राम बताइए एग्रोपायर रेपेंस चीनोपोडियम एम या ब्रिडेस या तो क्या मतलब प्रदीप साहू ठीक है करेक्ट आंसर सी है ना एम करेक्ट आंसर सी है एम रेंथस ठीक है करेक्ट आंसर सी है एम काम करता है ना अल्टरनेटिव होस्ट का काम कौन करता है एम ठीक है चलिए मजा आ रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर और जरूर कर दें ठीक है अपने दोस्तों को जरूर बताएं भाई कि अच्छे क्वेश्चन है मैंने आज एक वीडियो भी अपलोड की थी है ना एक वीडियो भी अपलोड की थी एफ ठीक है शुगर कैन का एफ क्या होता है तो आप वो देख लेना ठीक है अभी पाँच बजे लगभग मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि शुगर कैन में एफ क्या है कितना है है ना उसके बारे में सारी चीज़ें तो आप एक बार देख लेना अच्छा क्वेश्चन क्या इसको समझाना है देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो अरहर होती है ना अरहर जानते हो आप तुअर उसमें रेड ग्राम के अंदर लगता है ग्राम कैटरपोर ग्राम कैटरपोला मतलब हेलीकॉपर पर पा आर्मी जीरा इसके लिए अल्टरनेट होस्ट का अगर ये क्रॉप नहीं है तो किस दूसरे प्लांट के ऊपर ये सर्वाइव करता है तो किस दूसरे के ऊपर सर्वाइव करता है तो एमरेन्थस ब्रिटिश जो खरपतवार है हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो वीड्स होते हैं अल्टरनेटिव होस्ट का, का काम करते हैं अगर मैन क्रॉप नहीं है तो इसके ऊपर सर्वाइव करेगा और जिंदा रह जाएगा चलिए सेल थ्योरी है ना अठारह सौ अड़तीस बाज प्रपोज बाई ठीक है ठीक है सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेमार्क वीजमान सिलेडन एंड सवान तो सिलेडन एंड सवान के द्वारा है ना सिलेडन एंड सवान के द्वारा क्या दी गई 1838 18, 18 के अंदर कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी गई है ओके अच्छा आप सभी 12th पास हैं तो देखो मैं हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे आते हैं कुछ बच्चे देखते हैं मोस्ट अधिकतर बच्चे जो हैं वो बी एस ग्रेजुएशन वाले हैं या एमएससी वाले हैं अधिकतर जो बच्चे हैं ठीक है वो बी एस सी एमएससी वाली है हरियाणा ए डी का एग्जाम आप पढ़ते रहिए ठीक है ठीक है सोनू यादव आप मेरे को व्हाट्सएप पे है ना संपर्क कर लेना कोई दिक्कत नहीं है ना मैं सारी चीज़ समझा देता हूँ हिंदी के अंदर अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ लेना मैं आपको एक बार और समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है तो को, देखो क्वेश्चन का लेवल अपने को इसलिए अच्छा रखना पड़ती है कि नहीं क्योंकि वहाँ पर अधिकतर जो स्टूडेंट है ना वो ट्वेल्थ प्लस मैंने ग्रेजुएशन वाले हैं जिनका एम, बी एस सी हो चुका है ठीक है तो आपको अगर समझ नहीं आता तो मेरे से एक बार पूछ लिए मैं हिंदी में समझा दूंगा कोई बात नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में जाएगा यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ठीक है कोशिका का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया <punished noise> जीनपूर या रखना जीन पूल जर्म प्लाज्म <imaginedigenousríe> जर्म प्लाज्म जो है द्वारा दिया गया ना याद रखना जर्म ठीक है मोबाइल नंबर यहां पर लिखा हुआ है यह मोबाइल नंबर एट सेवन टू जीरो फोर एक मिनट रुकें ठीक है आगे बढ़ें आप तो सिल्डर स्वान के द्वारा ये बीच में जर्म प्लाज में याद रखना आप लेमार्क आप जानते हो ना लेमार्क डार्विन के साथ वाला है लेमार्क क्या कहता था ध्यान से सुनना ठीक है लेमार्क जो है लेमार्क साइंटिस्ट जो है ये कहता था इसने एक सिद्धांत दिया था ठीक है हिंदी में उस सिद्धांत का नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति ठीक है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था लेमार्क के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था ठीक है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत है ना याद रखना उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था ये तो लेमार के द्वारा इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइड कैरेक्टर ठीक है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइड कैरेक्टर ठीक है क्वाइट कैरेक्टर यह आप याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया यह लेमार्क के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था ठीक है ना हाँ अर्जित बोल सकते हैं देखो क्या है ठीक है बात सिद्धांत क्या है सिद्धांत यह कहता है लेमार्क यह कहता था कि जिस अंग का जितना ज्यादा उपयोग किया जाता है अगली पीढ़ी में वो उतना ही स्ट्रोंग होता है इसका यह कहना था कि जैसे लोहार जो होता है लोहार अथोड़ा चलाता है उसकी मसल से मजबूत होती है तो ये मसल से मजबूत हो गई तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएंगी जबकि ऐसा नहीं होता है ठीक है ना बात सुनो ये ऐसा नहीं होता है इसका कहना था कि जिस अंग का जितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो वो अगली पीढ़ी में उतना मजबूत होता है जबकि ऐसा नहीं होता ऐसा होता है क्या बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है ये सिद्धांत गलत हो गया फिर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साइप्रस रोटेंडस इज साइप्रस रोटेंडस क्या है नागर मोता इसको हिंदी में कहते हैं नागर मोता या फिर मोता सिंपल है ना मोता भी कह देते हैं नागर मोता या मोता क्या होता है साइप्रस रोटेंडस यह सिंपल भाषा में इसको मोता किस प्रकार का खरपतवार है एक वर्षीय दुवर्षी बहुवर्षीय या इकोनॉमिकल वीड क्या है बताइए नागर मोता साइप्रस रोटेंडस क्या है ठीक है <स्क्यारी> बिल्कुल पेरिनियल भीड़ है ना नागरम होता क्या है पेरिनियल बीड है ना नागर्म होता क्या है पेरिनियल बीड है ठीक है एक बहुबर है लेकिन सैलो रूटेड होता है ठीक है कि नहीं सॉरी डीप रूटेड सैलो नहीं डीप रूटेड होता है उसको खींचने तो बहुत ताकत लगाना पड़ती है लेकिन ट्राइंगुलर होता है याद रखना ट्राइंगुलर होता है इसका स्टेम इस पत्ती नहर होती है ट्राइंगर होता है कि नहीं चलिए आगे बात करते हैं अपन है ना क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस ट्वेंटी एट क्या कह रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है बताइए हाँ बिल्कुल कांस दो है ना अगला आपको बताना है इंटीग्रेटेड सिस्टम मींस इंटीग्रेशन ऑफ द टू क्रॉपिंग सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ द सेम एंटरप्राइजेस इंटीग्रेशन ऑफ द टू क्रॉप्स या इंटीग्रेशन ऑफ द टू और मोर देन टू इंटरप्राइजेस क्या आएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है फटाफट बताइए ठीक है ना एकीकृत जो है हमारी कृषि प्रणाली हिंदी में कहते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होगा तो भाई एग्रीकल्चर के एक से दो या दो से ज्यादा अलग अलग इंटरप्राइज वैसे आप खेती करो है ना एनिमल हस्बेंड्री करो मछली पालो मुर्गी पालो बकरी पालो सीप पालो है कि नहीं पोल्ट्री फिशरीज एपीकल्चर वो सब क्या होता है वही तो होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके दूसरे जो एलाइड होते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू इंटरप्राइजे है ना दो या दो से ज़्यादा जो अलग अलग इंटरप्राइजेज होते हैं उद्यम इंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम जैसे खेती कर रहा है खेती के साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है पोल्ट्री फिशरीज है एक्वाकल्चर ठीक है तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आयरन इज कॉमन इन आयरन डिफिशियंसी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है फटाफट बताइए आयरन इज कॉमन इन देखो इसका आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं आयरन डिफिशियंसी जो है क्योंकि आयरन जो अवेलेबल होता है लोअर पीएच पर होता है छः से कम पीएच पर आपको पता होगा आयरन है जिंक है मैगनीज है कॉपर है ये सब छः से कम पीएच पर होते हैं कि नहीं होते हैं आयरन जो होता है छः से लेस देन है ना सिक्स पीएच जो होती है उससे कम पर अवेलेबल होता है आयरन जैसे मैगनीज एल्यूमिनियम जिंक आपने पढ़ा होगा ही तो आयरन जो है भाई इसकी डिफिशियंसी किस प्रकार की सोल में आएगी जिसमें पीएच ज्यादा और पीएच ज्यादा कौन कर देगा कैल्शियम तो हाई कैलकेरियस सोइल हाई पीएच कैल्केरियस सोइल जो होगी जिसकी पीएच ज्यादा होगी उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी ये सुनना ठीक है तो भाई जिस सोइल की पीएच ज्यादा कैल्शियम के कारण ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी क्योंकि ये तो छः से कम पीएच पर है ना अवेलेबल होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा हाई पी है ना आपके बताने आयरन की कमी किस मिट्टी में होगी जिसकी पीएच ज़्यादा होगी जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा ठीक है सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट बताओ अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितनी होती है होता है कि नहीं ठीक है अमोनियम सल्फेट एनएच फोर सी टू हाँ यही बताइए आप अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है ठीक है अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन बताना सल्फर मत बता देना ठीक है बिल्कुल बीस दशमलव छह परसेंट सल्फर तो है ना पच्चीस के लगभग होती है ठीक है नाइट्रोजन ये है और सल्फर लगभग ये होती है तो नाइट्रोजन बीस दशमलव छः परसेंट होती है अमोनियम सल्फेट के अंदर बिल्कुल तो अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट लगभग कितना ठीक है आप इसको मान सकते हो सल्फर लगभग पच्चीस है ना यहाँ पर यही ऑप्शन है ठीक है तो नाइट्रोजन बिल्कुल भी तो जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़े थे उनको ये एक इंफॉर्मेशन है ये वाला है ना जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हैं आप एग्रीकल्चर का कोई भी कोर्स लेना चाहते हो अभी आप तैयारी कर रहे हो आई बी पी एस हरियाणा आई डी और टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम का तो अभी रक्षाबंधन और अपना तो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस आने वाला है ठीक है तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड है सर डिस्काउंटों पर तो थर्टी परसेंट डिस्काउंट है आप बिल्कुल ले सकते हैं ठीक है आप कोई सा भी कोर्स लोगे विजय भाव वैज जिसमें सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है छत्तीसगढ़ के आर ई ओ आर एच ई ओ मध्य प्रदेश ठीक है ये ऑफर सोलह अगस्त तक वैलिड है ना आज से लेकर सोलह तारीख तक ये ऑफर चलेगा तो आप कोई भी कोर्स लें ठीक है आज से लेकर सोलह अगस्त तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा है ना आप जो भी कोर्स लोगे उस पर जो प्राइस पहले थी उसका तीस परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा है ना आई होप आपको ये सारी क्लास और इसकी जो पी डी एफ है हाँ इसकी जो पी डी एफ है आपको मिल जाएगी ना पी डी एफ कहाँ मिलेगी तो पी डी एफ टेलीग्राम चैनल पर है ना पी डी एफ कहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर ठीक है आपको पी डी एफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर तो आप टेलीग्राम चैनल से आप पी डी एफ ले सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ठीक है इंस्टाग्राम चलाते हैं तो यह अभ्यास एग्री अकेडमी की इंस्टाग्राम आई डी है अभ्यास एग्री अकेडमी का इंस्टाग्राम पेज भी है तो आप इस पर फॉलो कर सकते हैं वहां पर डेली जो करंट की अपडेट चीजें डाली जाती है तो उससे आपका ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तीन हजार फीस है तीन हजार में भी अभी डिस्काउंट है तीस परसेंट का है ना ठीक है चलिए <coughs> तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना और इस जो वीडियो है उसकी लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो कि भाई उनको पता चले अच्छा कंटेंट देखो हमेशा अपन अच्छे क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं जिससे एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो तो आई होप आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी एक बार कमेंट सेक्शन बता दो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन बताएँ हाँ और डेली जो अपनी क्लास का टाइम है वो सेवन थर्टी है ना क्लास का जो टाइम रहेगा वो डेली सेवन थर्टी है ना सेवन थर्टी पी एम इसको जरूर याद रखें चलिए एक बार बता दो क्लास कैसी लगी फिर अपन क्लास को एंड करते हैं ठीक है चलिए ठीक है हाँ इंस्टाग्राम पे भी एडीए का इंटरव्यू एडीए का रिव्यू मतलब वो समझा नहीं एडीए का क्या इंटरव्यू हो गया लोगों का ठीक गया सभी का एवरेज ही चलिए है ना ओके फिर मिलते हैं कल अपन है ना इसी टाइम पर कल क्लास होगी है ना कल कोई छुट्टी नहीं है कल क्लास है आपकी